समर्थ विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी इसका अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम इसके जो आगे सवाल है उनको पढ़ने वाले हैं। आगे इसका 18 सवाल। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लड़का है, वह क्या है? एक कोई भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? 30 मीटर। ये मान लो भवन है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। और इससे क्या है, एक 1.5 मीटर लंबा एक, मान लो ये लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, ये खड़ा है कुछ दूरी पर। जब वह भवन की ओर चलता है, अब ये क्या करता है, यहाँ से चलता है कहाँ पर? भवन की ओर। मान लो यहाँ पर आ गया इस प्रकार। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो अब देखो, ये जो लड़का है ये भवन के शिखर को देखता है, तो लड़के की जो आंखें होगी वो कहाँ पर होगी? ऊपर होगी। हम कहाँ पर मानेंगे? एकदम ऊपर की ओर मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर मानेंगे। तो ये जो लड़का है यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो उन्नयन कोण कैसे बनेगा? आंख को क्या करो आप, भवन के शिखर से मिलाओ। मिलाया इस प्रकार। तो ये जो उन्नयन कोण है यह क्या हो जाता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये बोला कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया? यह यहाँ से लेकर यहाँ तक ही गया ना, तो ये दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ये वाली दूरी हमें इसमें ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर यह कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हमें क्या करना है, इस नीचे वाले जो आकृति इसका प्रयोग नहीं करना, हमें केवल जो ऊपर त्रिभुज बने हैं उन्हीं से हमें क्या करना है, ये दूरी यानी ये वाली दूरी हमें क्या करनी है, यहाँ से ज्ञात करनी है। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी नीचे वाली होगी, उतनी दूरी ये क्या होगा, चलकर जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये वाला मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो, अगर ये दूरी 1.5 मीटर है तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। और पूरी दूरी कितनी है इसकी, 30 मीटर। ये वाली दूरी कितनी है इसकी, 30 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो लंबाई होगी ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, 30 में से हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1.5 को घटाना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 28.5 मीटर। यानी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है वह कितनी होगी, 28.5 मीटर होगी। और ये वाला बिंदु मान लो क्या है, ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी ले लो, और ये वाला बिंदु ले लो आप डी। हमें केवल इन्हीं के अंदर क्या करना है, काम करना है, और ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, सी डी का मान ज्ञात करना है। तो सवाल आया समझ में, हमें क्या करना है, सी डी ज्ञात करना है। ये दो कोण हमें दे रखे हैं और ये वाली दूरी भी हमें दे रखी है, कितनी है, 28.5। ध्यान क्या रखना है, 30 का प्रयोग नहीं करना, 30 जो दूरी है वो कौन सी होगी, पूरी होगी। हमें केवल समकोण त्रिभुज के अंदर ये दूरी काम में लेनी है, और ये दूरी कितनी है, 28.5 है। तो अब देखते हैं, दो समकोण त्रिभुज है, उन दोनों समकोण त्रिभुज के अंदर, तो सबसे पहले है समकोण त्रिभुज ये वाला, क्या नाम होगा, सी ए बी, सी ए बी में कोण, कोण के सामने वाली भुजा लंब और साथ वाली आधार। तो लंब और आधार में संबंध होता है टेन का, लंब बटा आधार। थीटा कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री है। तो टेन 60 बराबर लंब यानी ये वाली भुजा ए बी, ए बी की लंबाई कितनी है, 28.5 है। तो 28.5 बट्टे में आधार, आधार की लंबाई सी ए। यहाँ से टेन 60 का मार्ग को इसके अंदर कितना होता है, अंडर रूट 3 बराबर 28.5 बट्टे में सी ए। तो इस सी ए को इधर लेके आओ, अंडर रूट 3 को इधर लेके आओ, तो सी ए बराबर क्या आएगा, 28.5, सी ए तो ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 3 क्या होगा, नीचे आएगा, तो बट्टे में अंडर रूट 3। और बट्टे वाले अंडर रूट 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, ऊपर तो क्या है, 28.5 गुणा में अंडर रूट 3, नीचे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 कितना होगा, 3 होगा। 3 का भाग लगाने पर देखो क्या बनेगा, कितने बार भाग जाएगा, 9,
फिर पॉइंट पाँच, 9.5 बार, यह आएगा सी ए का मान, और साथ में क्या है अंडर रूट 3। हमने क्या किया, 3 को 28.5 से काट दिया, तो ऊपर कितना बचेगा, 9.5 बचेगा। अब देखो इसको, दो समीकरण नंबर एक। अब चलते हैं दूसरे वाले समकोण त्रिभुज जिसका नाम होगा डी ए बी। हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ए बी में क्या होगा, कोण कोण के सामने भुजा लंब और साथ वाली आधार, तो इसमें भी क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, थीटा का मान इसमें कितना है 30 डिग्री, और लंब का मान ये वाली भुजा 28.5, और बट्टे में आधार, आधार कौन सी भुजा होगी, ए से लेके डी तक, पूरी ए से लेके डी तक, तो 33 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 28.5 बट्टे में ए डी। अब क्या करो, इसको वज्र गुणा कर लो, तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणा ए डी, ए डी बराबर 28.5 गुणा अंडर रूट 3, 28.5 गुणा अंडर रूट 3, ये क्या आएगा, ए डी का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, सी डी, तो सी टी कैसे क्या ज्ञात होगा, ये वाली भुजा कैसे प्राप्त होगी, अगर पूरी भुजा ए डी में से इस सी ए को घटा दें, अगर पूरी भुजा ए डी में से हम क्या करते हैं सी ए को हटाते हैं, हटाने का मतलब घटाना, पूरी भुजा ए डी में से अगर सी ए को हटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, केवल हमें सी डी प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखो ए डी हमारे पास है कितना है 28.5 अंडर रूट 3, और सी ए कितना है हमारे पास 9.5 अंडर रूट 3। अब हम इसको आराम से घटा सकते हैं, घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 9.5 को हमें क्या करना है 28.5 में से घटाना है, तो 0.5 में से 0.5 घटाने पर तो पूरा हट जाएगा, और यहाँ पर 28 में से 9 घटाने पर कितना आएगा 19√3, ये इसका क्या आएगा उत्तर आ जाएगा, कितना आएगा 19√3। इतनी दूर वो क्या हुआ, भवन की ओर चल कर गया। फिर आगे चलते हैं इसके 19 सवाल में। इस सवाल में मैं दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक क्या है 7 मीटर ऊंचा एक कोई भवन है, इस भवन से क्या किया एक टावर, ये मान लो टावर इस प्रकार और ये समतल, तो इस भवन के शिखर से इसने क्या किया, टावर के शिखर को क्या किया, टावर के शिखर को क्या किया देखा, तो जो बनने वाला उन्नयन कोण है वह कितना होता है, कितना मिला 60 डिग्री, ये कोण है 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसी बिंदु से जो भवन का शिखर है, इसी बिंदु से जो इसका मीनार का पाद है उसका जो अवनमन कोण है ये वाला, ये कोण कितना है 45 डिग्री, ये कोण हमें दे रखा है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस टावर की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, दिया हुआ क्या है हमें, एक ऊंचाई दे रखी है ये वाली कितनी है 7 मीटर, ये ऊंचाई हमें दे रखी है 7 मीटर, तो अगर ये 7 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी 7 मीटर होगी, और अगर ये ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाए, इसको हमने माना एच, तो हमें क्या मिल जाएगी, टावर की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, टावर की ऊंचाई कितनी होगी एच प्लस 7, एच में 7 को जोड़ने पर क्या मिल जाएगी, टावर की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो ये मान लो ए बी बिंदु सी डी और ये वाला है ई, तो पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं बी ई सी, ये समकोण बनेगा यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ई सी में, तो समकोण त्रिभुज बी ई सी में देखो ये कोण, कोण के सामने की भुजा लंब और ये साथ वाली क्या होगी इसकी आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब कौन सी भुजा है इसके अंदर, ये वाली कोण के सामने एक भुजा है इसी, और आधार कौन सी है बी ई, आधार इसका क्या है बी ई है। अब देखो थीटा, थीटा कितना है 45, कोण 45 है बराबर, इसी का मान कितना है 7, इसी का मान है 7 मीटर, और बी ई हमें नहीं पता, तो बट्टे में क्या आएगा बी ई आएगा, टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 7 बट्टा
बी ई, अब ई बी इस बी ई को इधर लेके आओ तो एक से गुणा होने पर बी ई बचेगा और बराबर में कितना आएगा 7 मीटर। ये क्या आ गई, बी ई की लंबाई प्राप्त हो गई। अब हमें पी बी ई की लंबाई प्राप्त हो गई, अब हम चलते हैं ऊपर वाले समकोण त्रिभुज के अंदर, जिसका नाम क्या होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ई डी। बी ई डी में क्या होगा, टेन थीटा लंब बटा आधार। अब देखो इस थीटा, इस 60 डिग्री के लिए लंब कौन है, डी ई, लंब है डी ई और आधार क्या है इसमें, बी ई, आधार होगा इसका बी ई। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो रखते हैं थीटा का मान 60, तो टेन 60 बराबर डी ई की लंबाई एच, हमने एच मानी है, बटा बी ई, बी ई की लंबाई हमने प्राप्त कर रखी है कितनी है 7 है। अब टेन 60 का मान रखो रूट 3 बराबर एच बट्टा 7, तो ये 7 इधर आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट 3 से गुणा होगा, तो 7 गुणा अंडर रूट 3, ये किसकी लंबाई आएगी, एच की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। अब देखो ये तो किसकी लंबाई मिली है, एच की लंबाई, हमें पूछे क्या है पूरे टावर की ऊंचाई, तो पूरे टावर की ऊंचाई क्या होगी 7 अंडर रूट 3 प्लस 7, तो आगे इसमें क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई कितनी होगी एच प्लस 7, चित्र से हमें पता है कितनी होगी एच प्लस 7, तो एच का मान 7 रूट 3 प्लस 7 कितना मिलेगा 7 अंडर रूट 3 प्लस 1, 7 को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा 7 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये इसका क्या आएगा उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं इसका, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं का शिखर, इसने क्या बोला, कोई एक पर्वत है, जैसे मान लो ये उसका शिखर बिंदु है और ये पर्वत इस प्रकार ऊंचा, ये उसका शिखर बिंदु, इस पर्वत के पूर्व की ओर दो बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं का शिखर से अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। समतल है, उस समतल के ऊपर पूर्व की ओर दो बिंदु है इस प्रकार, और उन दोनों बिंदुओं का इसके शिखर से जो उन्नयन कोण है, सॉरी जो अवनमन कोण है, शिखर से नीचे की ओर देखना पड़ेगा, तो और नीचे की ओर जब देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को देखा इस प्रकार इसके शिखर से, तो जो कोण बनते हैं अवनमन कोण वह कितने कितने हैं, 30 और 45। अवनमन कोण कैसे बनेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा खींचेंगे, तो एक कोण तो कितना है 30 डिग्री है, एक कितना है 45 डिग्री, और आगे क्या बोला इसने कि यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर, ये दूरी हमें दे रखी है, तो पर्वत की ऊंचाई याद कीजिए, हमने माना कि पर्वत की जो ऊंचाई है वह कितनी है एच है, और इसकी ऊंचाई हमें एच को ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना पर्वत की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई h माने, और इसी h को हमें क्या करना है ज्ञात करना है, इस बिंदु को a मानो, ये बिंदु है b, c, d, इसको मान लो ये बिंदु है e। अब देखो एक चीज, ये जो रेखा है और ये वाली रेखा, ये दोनों रेखाएं क्षैतिज रेखाएं हैं, और क्षैतिज रेखाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है, तो इसलिए ये जो कोण है अगर 30 डिग्री है तो इसके साथ में यहां पर बनने वाला ये कोण एकांतर कोण, ये भी कितना होगा 30, इसी प्रकार ये वाला कोण 45 है तो ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो अब हमें इन कोणों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, हमने क्या किया, ये कोण 30 और ये कोण कितना ले लिया 45 ले लिया, ठीक है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, ये दूरी दे रखी है, ये दोनों कोण दे रखे हैं, ये वाली ऊंचाई हमें प्राप्त करनी है, तो ऐसे सवाल हमने किए हैं पीछे भी, कैसे करेंगे देख लो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी में क्या होगा, कोण के सामने भुजा लंब और साथ वाली क्या होगी आधार होगी, तो टेन थीटा लगेगा लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कौन सी भुजा है इसकी ए बी और आधार क्या है इसका सी ए, ये लिखा हमने। अब थीटा हमें कितना दे रखा है इसके अंदर 45 डिग्री, तो टेन 45 थीटा की जगह 45 बराबर ए बी हमें प्राप्त करना है, एच हमें ज्ञात करना है, बट्टे में सी ए,
सीए भी हमें नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे, इसको सीए लिखेंगे। टेन 45 का मान हमें पता है एक होता है, तो एक बराबर एच बट्टा सीए, सीए को इधर लाओ तो सीए किसके बराबर आएगा, एच के बराबर आ जाएगा। ये है समीकरण नंबर एक। फिर चलते हैं दूसरे वाले समकोण त्रिभुज के अंदर, जिसका नाम क्या होगा, डी ए बी। समकोण त्रिभुज डी ए बी में डी ए बी कोण, कोण के सामने की भुजा लंब, और ये साथ वाली क्या होगी आधार, तो इसमें भी क्या लगेगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब इसकी भुजा ए बी है और आधार इसकी भुजा है डी ए, या फिर ए डी, आधार इसका क्या होगा ए डी। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, थीटा का मान हमने लिखा 30 बराबर ए बी, ए बी यानी एच ही है, बराबर एच बट्टा इसका जो आधार है वो क्या होगा ए डी, ए डी दे रखा है हमें, बट्टे में कितना आएगा ए डी आएगा। अब टेन 30 का मान देखो कितना होता है, एक बट्टा रूट तीन बराबर में एच बट्टा ए डी। इस ए डी को एक से गुणा करेंगे और एच को अंडर रूट तीन से गुणा करेंगे, यानी वज्र गुणा, तो एक गुणा ए डी कितना आएगा ए डी बराबर एच गुणा अंडर रूट तीन, ये प्राप्त होगा। ये आगे समीकरण नंबर दो। अब चित्र से देखो एक चीज की, जो भुजा सी डी है ये कैसे प्राप्त होती है, अगर पूरी भुजा ए डी में से हम क्या करें सी ए को घटाएं, सी डी किसके बराबर होगा, अगर पूरी भुजा ए डी ए डी में से अगर हम क्या करते हैं सी ए को हटा दें, यानी घटा दें, तो इसको हमने हटाया तो क्या बचेगा, मान लो इसको हमने यहाँ से हटाया तो क्या बची, केवल डी सी बची या फिर सी डी बची, ये बचेगी। तो ए डी का मान हमने कितना प्राप्त किया था, एच अंडर रूट तीन माइनस सी ए का मान हमने कितना प्राप्त किया था एच, और सी डी की हमें लंबाई दे रखी है एक किलोमीटर, सवाल में हमें दे रखी है कितनी है एक किलोमीटर में, ये ध्यान रखना। अब इसको हल करेंगे कैसे, देखो एक बराबर इन दोनों में एच कॉमन हो सकता है, क्या बचेगा कोष्टक में अंडर रूट तीन, यहाँ से एच को कॉमन लिया तो क्या बचेगा केवल एक बचेगा, अंडर रूट तीन माइनस एक को इधर लेके आओ तो एक बट्टा अंडर रूट तीन माइनस एक बराबर में एच होगा। अब नीचे जब अंडर रूट आता है तो उसको हटाना होता है, तो नीचे वाले अंडर रूट को कैसे हटाएंगे उसको देखो, एच बराबर कितना मिला हमें एक बट्टा अंडर रूट तीन माइनस एक, तो इसका हम क्या करेंगे प्रमेयकरण करेंगे, तो प्रमेयकरण में क्या होता है जो यहाँ पर बीच में चिन्ह होता है वो उल्टा यानी प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट तीन प्लस एक बनेगा, उससे हमें ऊपर और नीचे क्या करना है इसको गुणा करना है, तो ये जो रूप बनेगा ये कैसा रूप बनेगा ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, और ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी, ये सर्वसीमिका लगेगी यहाँ पर। तो ऊपर तो क्या चल रहा है अंडर रूट तीन प्लस एक, बट्टे में अंडर रूट तीन का वर्ग कितना हो जाएगा तीन, और माइनस एक का वर्ग कितना होगा एक, तो ये कितना आएगा अंडर रूट तीन प्लस एक, बट्टे में तीन माइनस एक कितना आएगा दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल हमें देर का ध्यान से देखना इस सवाल को, कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का अवनमन कोण, इसने क्या बोला, जैसे मान लो एक कोई पानी की झील है, यहाँ पर बनाते हैं चित्र इसका, ये मान लो पानी की झील है इस प्रकार, इस पानी की झील के अंदर इसने क्या बोला कि इसके तल से, ये इसका तल है, इसके तल से 20 मीटर ऊंचा कोई एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु है जिसका नाम है ए, इसकी ऊंचाई ये कितनी है 20 मीटर, ये ऊंचाई हमें दे रखी है 20 मीटर, और इस 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु ए से एक कोई बादल है उसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब वो बादल ऊंचा है ऊपर की ओर देखना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पर एक बादल है इस प्रकार, ठीक है ये बादल है, इसका जो उन्नयन कोण है यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण कैसे बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ में बनेगा, ये जो उन्नयन कोण दे रखा है ये कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री दे रखा है, ये कोण है 30 डिग्री, यहाँ तक हो गया सवाल। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, इसी बिंदु से हमें क्या करना है इस बादल का इस पानी के अंदर इस झील के अंदर क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब को क्या करना है इसी बिंदु ए से देखना है, और देखने पर यहाँ पर जो कोण बनेगा अवनमन कोण वह कितना है 60 डिग्री है,
तो देखो एक चीज यहां पर, ये देखो पहले ये बादल है और ये यहां पर क्या है, झील है। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। जितना ऊंचा ये यहां से होगा, पानी के तल से जितना ये ऊपर होगा उतना ही नीचे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जितनी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक होगी उतनी ऊंचाई उतनी लंबाई नीचे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लो अगर ये ऊंचाई x है तो x लंबाई क्या बनेगा, इसका नीचे प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लिया यहां पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है इस बादल का, यहां पर प्रतिबिंब बनना। तो इस प्रतिबिंब को क्या करना है, इस बिंदु A से देखना है। देखा तो बनने वाला जो यहां पर अवनमन कोण है वह कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करनी है, A से इस बादल की दूरी ज्ञात करनी है। ये जो दूरी है हमने कितनी मानी, x मानी। हमें क्या करना है, इस x की लंबाई को प्राप्त करना है। अब देखो यहां पर बादल है, ठीक इसके नीचे क्या बनेगी, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये एकदम सीधे बनेंगे, ये एक सीधी रेखा में बनेंगे। इस प्रकार ये मिलाया इसको, और ये इसका क्या है, पानी का तल है। ये ध्यान रखना, तल है जल का, जल का तल। अब देखो हमें ज्ञात करना है x, लंबाई हमें कौन सी दे रखी है, ये वाली। ये कितनी दे रखी है हमें, 20 मीटर। ये लंबाई हमें दे रखी है 20 मीटर। हमने माना ये बिंदु जो है A, ये वाला बिंदु B, ये बिंदु C, ये बिंदु कौन सा है, D, और ये वाला बिंदु है A। बिंदुओं का नाम दे दिया। ये दूरी 20 मीटर है, ठीक। और ये जो ऊंचाई है इसको हमने कितना माना, h। ये ऊंचाई कितनी है, h। अब एक चीज ये देखो, बिंदु E से जो तल, जल का तल है, उस बिंदु से इस बादल की ऊंचाई कितनी है, 20 प्लस h, h प्लस 20। तो इतनी ऊंचाई क्या होगी, इसके प्रतिबिंब की होगी। बिंदु E से ये कितना नीचे होगा, 20 प्लस h, या फिर h प्लस 20 मीटर की दूरी पर। ये ऊंचाई भी कितनी होगी, h प्लस 20 होगी। तो ये ऊंचाई हमारे को आई समझ में। अब यहां से क्या करना है, हमें अक्ष का मान प्राप्त करना है। तो देखो दो समकोण त्रिभुज है, उन दोनों समकोण त्रिभुजों को हमें क्या करना है, प्रयोग में लेना है। तो देखो पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा ऊपर वाला, ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज में क्या है, ये भुजा, ये जो कोण है इस कोण के सामने भुजा लंब, ये भुजा क्या होगी, किरण होगी, और कोण के साथ वाली भुजा क्या होगी, इसकी आधार होगी। तो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर हम पहले इसके आधार को लेकर चलते हैं, ठीक है। आधार, और हम सबसे पहले एच को ज्ञात करेंगे। एच को ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एच निकालते हैं। एच को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेन का फॉर्मूला लगाते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कौन सी भुजा है इसकी, ये वाली बी सी, लंब है इसका बी सी। आधार क्या है, ए बी। आधार क्या होगा इसका, ए बी होगा। अब देखो थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री है। तो टेन 30 बराबर बी सी, बी सी कौन सी भुजा है, ये वाली जिसको हमने कितना माना, एच माना। तो ये एच है, बट्टे में ए बी। ए बी कितना है हमें नहीं पता, तो क्या लिखेंगे हम, ए बी लिख देंगे। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में एच बट्टा ए बी। इस ए बी को एक से गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो क्या होगा, ए बी बराबर एच गुणा √3 ये मिलेगा। यह है समीकरण नंबर हमारी एक। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज में चलते हैं, जिसका नाम क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी में क्या होगा, टेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखो लंब कोण के सामने की भुजा लंब कौन सी है, बी से लेकर डी तक, ये इसका क्या होगा, लंब होगा बी डी, बी डी बट्टा आधार। आधार कौन सी भुजा, ए से लेके बी तक, आधार क्या होगा इसका, ए बी। अब मार्क देते हैं, थीटा का मान कितना है इसके अंदर, 60। तो टेन 60 बराबर बी डी। देखो यहां से लेके यहां तक की लंबाई बी डी होगी। ई से लेके डी तक की लंबाई कितनी है, एच प्लस 20, और ये वाली जो लंबाई है बी ई, ये कितनी है, 20। हमें कौन सी लंबाई चाहिए, बी से लेकर डी तक की चाहिए। तो बी से लेकर डी तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 प्लस एच प्लस 20। तो कितना हो जाएगा, एच प्लस 40 हो जाएगा।
तो बी डी की लंबाई कितनी आएगी, एच प्लस 40 बट्टे में ए बी, ए बी ये वाली भुजा बट्टे में क्या आएगा ए बी। अब यहाँ से देखो टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर एच प्लस 40 बट्टे में क्या आएगा ए बी आएगा। तो ए बी को इधर लेके आओ तो ए बी बराबर अंडर रूट 3 को उधर ले जाओ तो एच प्लस 40 बट्टे में क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखो इसको आगे हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 में हमने किसका मान निकाला है ए बी का मान, और समीकरण 2 में भी हमने किसका मान निकाला है ए बी, इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी। तो समीकरण 1 और 2 के एल एस एस बराबर है तो आर एस एस भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा एच अंडर रूट 3 किसके बराबर आ जाएगा, एच प्लस 40 बट्टे अंडर रूट 3 बट्टा अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को इधर लेके आओ तो अंडर रूट 3 इससे गुणा होगा और बराबर में क्या रहेगा एच प्लस 40। तो ये इससे गुणा होने पर ये दोनों गुणा के कितना बनेगा 3 बनेगा, तो 3h बराबर में h प्लस 40। इस h को इधर लेके आओ तो यहाँ पर प्लस में इधर आके माइनस का h बराबर 40, तो 3h में से 1h घटाने पर 2h बराबर 40। तो h का मान कितना आएगा 40 बट्टा 2 बराबर में कितना आएगा 20 मीटर। ये क्या आया h का मान, हमें h नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है AB यानी सॉरी AC, बिंदु A से बादल की दूरी जिसको हमने क्या माना है अक्ष माना। तो H हमने निकाल लिया, अब हम क्या कर सकते हैं इस अक्ष का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज ABC को लेंगे। देखो दोबारा समकोण त्रिभुज ABC में अब की बार देखो कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही है, कोण के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। तो अब की बार हमें लंब और कर्ण का क्या करना है प्रयोग करना है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं साइन में, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब यानी बी सी और कर्ण यानी ए सी, थीटा का मान कितना है वो रखो, थीटा का मान हमें 30 दे रखा है, बी सी की लंबाई देखो कितनी है एच और एच की लंबाई हमने प्राप्त की है कितनी है 20 मीटर और बट्टे में AC क्या है अक्ष है, हमने अक्ष माना था। अब साइन 30 का मार्ग को यहाँ पर कितना होता है 1 बट्टा 2 बराबर 20 बट्टा एक्स। अब इनको वजर गुणा करेंगे तो 1 गुणा एक्स कितना आएगा एक्स बराबर 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा 40, अक्ष का मान कितना आएगा 40 मीटर प्राप्त होगा। और ये 40 मीटर क्या होगी बिंदु A से बादल की दूरी प्राप्त हो जाएगी।